नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। वक्त हो गया दिन की 25 बड़ी खबरें बताने का। उत्तरकाशी में बादल फटने से 17 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सतलुज में उफान, रेस्क्यू टीम ने मशक्कत से बचाई 9 लोगों की जान। 14 दिनों बाद कश्मीर में खुले स्कूल कॉलेज, लैंडलाइन सेवा भी आज होगी शुरू। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई इलाकों में भारी बारिश। पंजाब हुआ बाढ़ जैसे हालात से बेहाल, 6 लोगों को निगल गया आफतकाल। भाखड़ा डैम के चारों गेट रहेंगे खुले, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत। दिल्ली में खतरे के निशान को छूकर बह रही यमुना, बाढ़ अलर्ट के बीच केजरीवाल ने बुलाई बैठक। वाराणसी में गंगा का जल स्तर लाल निशान की ओर, घर की छत पर आयोजित की गई प्रसिद्ध आरती। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने कहा, भारत से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है पाक। अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने भी लगाई लताड़, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बंद करो। कश्मीरी पंडितों का छलका दर्द, कहा कश्मीरियत को मिटाने की साजिश तो 1990 में ही रच दी गई थी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, कश्मीर में हो रहा मानवाधिकारों का उल्लंघन। बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा का निधन। अरुण जेटली की हालत बेहद नाजुक, हालचाल जानने एम्स पहुंचे नकवी। यौन उत्पीड़न के केस में फंसे तरुण तेजपाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 महीने में सुनवाई हो पूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर किया आरक्षण पर चर्चा करने की वकालत। प्रियंका गांधी ने कहा, देश में भयंकर मंदी पर सरकार की चुप्पी खतरनाक। कमलनाथ सरकार से एक और संत ने मांगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा, बोले नहीं मिला पद तो कर लूंगा सुसाइड। अयोध्या में रामलला को मिलेगा ज्यादा मासिक भत्ता, पुजारियों की सैलरी भी बढ़ी। लालू प्रसाद यादव के लिए चलना फिरना भी हुआ मुश्किल, इस बीमारी ने बढ़ाई परेशानी। शराबी ने फुटपाथ पर चढ़ाई कार, बाइक स्कूटी रौंदते हुए कई लोगों को कुचला। सामने आया फ्रॉड का नया तरीका, सिम स्वैपिंग के जरिए बैंक से उड़े 18 लाख। नशे में धुत शख्स ने फुटपाथ पर 7 लोगों को कुचला। धमकी के बाद वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। चीन को ट्रंप की धमकी, हांगकांग प्रदर्शनकारियों पर की बर्बरता तो टूटेगी व्यापार वार्ता। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।